नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, बात करने वाले इस वीडियो में महिला सुपरवाइजर भर्ती की बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आप सैलरी को देखेंगे तो सैलरी आपकी जो है 71,500 से प्लस रहने वाली, यानी 71,500 से अधिक आपकी सैलरी होने वाली है। यहाँ पर राज्यों की सभी महिलाएँ इसमें आवेदन कर सकती हैं, जिसमें उम्र मांगी गई है 18 से 42 वर्ष। बिल्कुल सीधी भर्ती है, पूरा नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम आपको ये भर्ती दिखाने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। तो बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम सभी गवर्नमेंट वैकेंसी की अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। इसी के साथ अगर बेल आइकन आएगा तो जरूर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले, तो आप वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। ठीक है, चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, दिखाते हैं आपको। देखिएगा फ्रेंड्स, ये रही हमारी चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा APPSC रिक्रूटमेंट 2018 अप्रैल ऑनलाइन 109 एक्सटेंशन ऑफिसर ग्रेड 1 वुमेन सुपरवाइजर पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑर्गेनाइज करा रही है पोस्ट को वो APPSC वुमेन सुपरवाइजर, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर सबऑर्डिनेट सर्विस। ठीक है, इस पोस्ट जो है वो एक्सटेंस ऑफिसर ग्रेड 1 वुमेन सुपरवाइजर की है। ठीक है, यहाँ पर केवल वुमेन ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसकी हम डेट को बात करें तो डेट जो है 28 दिसंबर से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, जो 18 जनवरी 2019 तक इसके फॉर्म जो है ऑनलाइन होने वाले हैं। ठीक है, आज जो है 24 दिसंबर है, तो 28 दिसंबर से आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी वेबसाइट की, वहां पर आप एक बार देख सकते हैं और नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखाने वाले हैं। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आप जो है लास्ट डेट पेमेंट की जो है वो 17 तारीख है। ठीक है, और उसके बाद बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम डेट, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 25 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा, 25 अप्रैल 2019 को। ठीक है, इसकी अप्लाई ऑनलाइन जो है वो आप ऑनलाइन ही इसको जो है अप्लाई कर सकेंगे, आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसकी फ़ीस जो है वो ऑनलाइन ही आप सबमिट कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 250 रुपये रखी गई है, एग्जामिनेशन फ़ीस केवल 80 रुपये, और BC SC ST वालों के लिए कोई भी यहाँ फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक है, अप्लाई करेंगे पेमेंट मोड जो है वो आपका ऑनलाइन है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहें। एज की बात करें तो एज में जो 18 साल और मैक्सिमम 42 साल उम्र रहने वाली है। यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि 2/7/1976 से 1/7/2000 तक, ठीक है, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि 2000 से ज़्यादा क्या नहीं हुए, मतलब नीचे का आप जो है जन्मे हुए हो। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें जो है डिग्री मांगी हुई है। ठीक है, डिग्री होनी चाहिए आपकी, ठीक है, किसी कोई भी स्ट्रीम डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर जो है जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो वहाँ पर सभी मेंशन हो रखा है कि डिग्री आपको किससे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लिंक मैंने यहाँ पर आपके लिए शेयर कर दी है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये है, 28 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ से फॉर्म को जो आप अप्लाई कर सकेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर यहाँ पर क्लिक हेयर करेंगे तो क्लिक हेयर करने के बाद देख लीजिए, हम क्लिक हेयर कर लेते हैं, यहाँ पर उस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 21 दिसंबर को ही पब्लिश किया गया था नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर जब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 28 दिसंबर से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, ठीक है, 18 दिसंबर तक फॉर्म ऑनलाइन होंगे, लेकिन यहाँ पेमेंट डेट की बात करें तो पेमेंट है मैंने बता ही दिया है, जो मैंने वेबसाइट पर डाल दिए थे। ठीक है, यहाँ पर पूरा मैंने वेबसाइट पर दे दिया है मेन टॉपिक। अब हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी का, थोड़ी नोटिफिकेशन जान लेते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं CEJ सिटीजन ऑफ इंडियन, किसी भी सिटीजन का होनी चाहिए, लेकिन आप इंडियन होने चाहिए, किसी भी राज्य के होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर सभी मेंशन हो रखी हैं। ठीक है, एक बार फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले एक बार वेबसाइट को, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर चेक करें। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर पूरा दे दिया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। रिजर्वेशन की बात करें तो कैंडिडेट को रिजर्वेशन जो है एज में रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे कि OBC वालों के लिए 3 साल का और ST ST वालों के लिए 5 साल का, यानी कि अगर आप OBC से हैं, अगर आप 3 साल का आपके लिए रिजर्वेशन मिलेगा एज में, तो 42 साल उम्र मांगिए तो आप 45 वर्ष के हों तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ST ST वालों के लिए जो है 5 वर्ष का है, तो जिसमें 42 5 47 47 ईयर के होते हैं तब भी इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको दे दे। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं एसटी और बीसी वालों के लिए 5 वर्ष हैं, ठीक है। हैंडीकैप वालों के लिए 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दे रखी है, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर 5 साल की, एनसीसी कोई है तो उनके लिए 3 साल की, सॉरी 5 साल नहीं 3 साल है, यहाँ पर 3 साल के लिए छूट दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर दे रही है, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है सारा स्टेप यहाँ पर दे दिया है। सेकंड स्टेप के बाद आपको पेमेंट करना है, उसके बाद थर्ड स्टेप पर आपको पहुँचना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप यहाँ पूरा यहाँ दे दिया है, आप जब अप्लाई करें तो एक बार इस नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लें। उसके बाद फीस की बात करें तो फीस मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर जो है 250 रुपये और एग्जामिनेशन फीस 80 रुपये रखी गई है, ठीक है। एसटी एससी बीसी हैंडीकैप एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं बताई गई। फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर, जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 3 आपको प्रिफ्रेंस के थ्रू आपको चूज़ कर लेना है कौन किस सिटी में आपको एग्ज़ाम देना है। 3 प्रिफ्रेंस आपके लिए आएंगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर एग्ज़ाम होगा। आप वहाँ पर सिटी चूज़ करने के लिए आएंगे तो आप अपना सिटी चूज़ कर सकते हैं कहाँ पर इसका एग्ज़ाम होगा, कहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं, ठीक है। मोड ऑफ़ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद आपका ओरल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू के थ्रू एक ओरल आपका इंटरव्यू होगा, उसके थ्रू लिया जाएगा, ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर कोई अपडेट आएगा तो ज़रूर आपको बताया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपको फ्रेंडों को इस चीज़ का पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो पर।